हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इमल्शन, इमल्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है या उसके कितने टाइप हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमल्शन की डेफिनेशन के साथ। हियर इज़ द डेफिनेशन ऑफ इमल्शन। एन इमल्शन मे बी डिफाइंड एज ए बायोफिजिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, वन ऑफ विच द डिस्पर्स फेज इज फाइनली सब डिवाइडेड एंड यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड एज ड्रॉपलेट्स थ्रू आउट द अदर द कंटिन्यूस फेज। सो वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इमल्शन। तो देयर आर टू फेजेज जिनका जिक्र किया गया है। एक इमल्शन को डिफाइन कर सकते हैं बायोफेजिक सिस्टम में दो फेज, बाय यानी कि दो फेज सिस्टम में, जो क्या कंटेन करता है, दो इमिसिबल लिक्विड कंटेन करता है, जिसमें से एक जो है वो है डिस्पर्स फेज, जो कि क्या है, फाइनली सब डिवाइडेड एंड यूनिफॉर्मली डिस्पेंस एज ड्रॉपलेट थ्रू आउट द अदर। एक उसमें से क्या है, डिस्पर्स फेज है, जो कि फाइनली सब डिवाइडेड और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाती है एज ड्रॉपलेट्स, किसमें, थ्रू आउट द अदर, दूसरी फेज में, जिसको हम दूसरी फेज को क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यूस फेज। तो ये डेफिनेशन है इमल्शन की। सिंस सच अ सिस्टम इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, अ सुटेबल इमल्सिफाइंग एजेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द सिस्टम। लेकिन जो इस तरह का, जो आप कह सकते हो सिस्टम है, बायोफेजिक सिस्टम है, वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको स्टेबल करने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट उसमें ऐड करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट्स का हम यूज़ करेंगे, सो दैट वी कैन स्टेबल दैट प्रिपरेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप्स या फिर हाउ वी कैन क्लासीफाई द इमल्शन। सो देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स या फोर क्लासेस ऑफ इमल्शन। नंबर फर्स्ट है, मोस्ट कॉमनली दो ही आती हैं। अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो अगर दो भी आप डिफाइन कर देंगे, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, तो भी इनफ है। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता है तो आप ये चारों ही डिफाइन कर देना। नंबर फर्स्ट है ऑयल इन वाटर इमल्शन, नंबर सेकेंड है मल्टीपल इमल्शन, नंबर थर्ड है वाटर इन ऑयल इमल्शन, नंबर फोर है माइक्रो इमल्शन। वी विल स्टार्ट विद ऑयल इन वाटर इमल्शन। इन फार्मास्यूटिकल इमल्शंस वन फेज इज यूजली वाटर एंड द अदर एन ऑयल, फैट और वैक्सी सब्सटेंसेस। फार्मास्यूटिकल्स इमल्शन में ज़्यादातर क्या होता है कि जो एक फेज है वो यूजली वाटर होती है, जो दूसरी है वो या तो कोई ऑयल होगा, कोई फैट होगा या फिर कोई वैक्सी सब्सटेंस होंगे। सिस्टम्स इन विच ऑयल इज द डिस्पर्स्ड और डिसकंटिन्यूस फेज एंड वाटर इज द कंटिन्यूस फेज आर टर्म एज ऑयल इन वाटर इमल्शन। इसमें आगे है सिस्टम जिसमें कि ऑयल जो है डिस्पर्स्ड और डिसकंटिन्यूस फेज है, डिस्पर्स फेज है या फिर डिसकंटिन्यूस फेज है, और वाटर जो है वो कंटिन्यूस फेज है, उसको हम क्या नाम देंगे, ऑयल इन वाटर, यानी कि वी आर एडिंग अ ऑयल इन वाटर। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन हम उसको नाम देंगे जिसमें कि जो ऑयल है वो डिसकंटिन्यू या डिस्पर्स फेज है और जो हमारा वाटर है वो हमारा कंटिन्यूस फेज है। सच इमल्शंस आर यूजली प्रिफर्ड फॉर ओरल यूज सिंस द डिसएग्रेबल टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ द ऑयल इज जनरली मास्ट बाय इमल्सिफिकेशन। इस टाइप के जो इमल्शंस होते हैं, यानी कि ऑयल इन वाटर जो इमल्शंस होते हैं, यूजली प्रिफर किए जाते हैं फॉर, किसके लिए, फॉर ओरल यूज, सिंस फॉर ओरल यूज के लिए यूज करते हैं हम, लेकिन इनका जो डिसएग्रीबल, इनका टेस्ट जो है वो डिसएग्रीबल होता है और ऑर्डर जो है ऑयल की उसको जनरली हम मास्क करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से हम उसको मास्क करते हैं और ऑयल इन वाटर जो इमल्शन होते हैं वो ओरली हम यूज़ करते हैं, ओरल यूज़ करने के पर्पज़ से वो बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। मूविंग टू द सेकेंड टाइप, दैट इज़ वाटर इन ऑयल, जस्ट अपोजिट हो जाएगा ऑयल इन वाटर का। दीज आर दोज इन विच ऑयल फॉर्म्स द कंटिन्यूस और एक्सटर्नल फेज वाइल वाटर इज द डिस्पर्स्ड और डिसकंटिन्यूस फेज। में क्या होता है, ये वो तरह के इमल्शंस होते हैं जिसमें ऑयल जो है वो कंटिन्यूस फेज फॉर्म करता है और वाटर जो है डिस्पर्स्ड या डिसकंटिन्यूस फेज फॉर्म करता है या होता है। सच इमल्शंस मोस्टली यूज किए जाते हैं एक्सटर्नली, जैसे कि क्रीम्स हैं, लोशंस हैं। टॉपिकली जो इमल्शंस यूज किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाटर इन ऑयल इमल्शन। सच इमल्शंस हैव अ ऑक्युलेसिव इफेक्ट ऑन द स्किन एंड आर यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स। ये जो है इस टाइप के इमल्शन जो है उनका एक ऑक्युलेसिव इफेक्ट होता है, स्मूथ इफेक्ट होता है स्किन पर, और यूजफुल होते हैं किसमें, मॉइस्चराइजिंग क्रीम की प्रिपरेशन में ये यूजफुल होते हैं। दे आर ऑल्सो यूजफुल एज क्लीनिंग
क्लींजिंग क्रीम सिंस दे सोल्यूबलाइज द ऑयल सोल्यूबल डर्ट फ्रॉम द सरफेस। ये क्या होते हैं क्लीनिंग क्रीम्स की पर्पज से भी या क्लीनिंग क्रीम जो होती हैं उनमें भी ये हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दे सोल्यूबलाइज द ऑयल सोल्यूशन सोल्यूबल डर्ट। वो क्या करते हैं सोल्यूबलाइज करते हैं जो ऑयल में इजीली सोल्यूबल डर्ट जो होती है उसको सोल्यूबलाइज कर देते हैं और उसको सोल्यूबलाइज करके सरफेस से हटा देते हैं, उसको सोल्यूबलाइज करके वो क्रीम जो है जो हमने अप्लाई किया है उसमें वो आ जाती है डर्ट और हमारी स्किन जो है वहाँ से उस स्किन से रिमूव आउट हो जाती है डर्ट। थर्ड मल्टीपल इमल्शन, ये क्या है इन एडिशन टू द टू टाइप्स ऑफ इमल्शन डिस्कस्ड अबव देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्स मल्टीपल इमल्शन इन विच द ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन आर डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड मीडियम। सो मल्टीपल इमल्शन में क्या, जैसे प्रीवियसली मैंने बात की है ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल इमल्शन की, तो बेसिकली अगर हम दोनों टाइप के इमल्शंस को एक अनदर लिक्विड मीडियम में अगर हम डिस्पर्स्ड कर दें तो उस टर्म को या उस इमल्शन को या उस प्रिपरेशन को हम नाम देंगे मल्टीपल इमल्शन। इन एडिशन टू द टू ऑफ इमल्शन डिस्कस्ड अबव एंड एडिशन किसके जो डिस्कस किए हैं अबव, पहले हमने दो इमल्शन, देयर आर सर्टेन होते हैं सर्टेन कॉम्प्लेक्स मल्टीपल इमल्शन जिसमें क्या होता है ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमल्शंस को डिस्पर्स कर देते हैं अनदर लिक्विड मीडियम में, दैट इज नोन एज मल्टीपल इमल्शन। मूविंग टू द लास्ट कैटेगरी माइक्रो इमल्शंस, एज द नेम इंडिकेट माइक्रो स्मॉल पार्टिकल्स कंटेन करते हैं। नॉर्मल इमल्शन जनरली कंटेन्स ग्लोब्यूल्स रेंजिंग फ्रॉम 0.1 टू 100 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। जो नॉर्मली जो इमल्शन है वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर जनरली वो ग्लोब्यूल्स या फिर पार्टिकल्स कितने साइज के कंटेन करते हैं 0.1 से लेके 100 माइक्रोमीटर्स जो कि डायमीटर में होंगे, लेकिन दीज आर इमल्शन दैट कंटेन ग्लोब्यूल्स हैविंग डायमीटर ऑफ लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर। इस तरह के जो इमल्शंस हैं वो कितने पार्टिकल साइज या उनके जो ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनका जो साइज है वो कितने से स्टार्ट होता है उसकी रेंजिंग है लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज माइक्रो इमल्शन। ड्रॉपलेट्स ऑफ सच डायमेंशंस कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट देयर फोर अपियर एज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट। ड्रॉपलेट जो है इस डायमीटर्स की वो रिफ्लेक्ट करती हैं कैन नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, रिफ्लेक्ट नहीं करते, जैसे कि प्रिज्म में जाकर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो इस तरह से इस साइज के ड्रॉपलेट जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती हैं। दैट्स द रीज़न कि इस इमल्शन के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करते तो ट्रांसपेरेंट वो दिखती हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होगी माइक्रो इमल्शन की और यही डेफिनेशन है माइक्रो इमल्शन की। सो आज की वीडियो में हमने कवर कर लिया इमल्शंस क्या होते हैं, इमल्शन के डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप क्या है, उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप है क्लासिफिकेशन, चारों टाइप के जो चार टाइप उनका डेफिनेशन हमने पढ़ लिया और उसी में कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं उनकी वो भी हमने कवर कर लिया। अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेशन में भी आपको प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमल्शन की। नेक्स्ट वीडियो में हम इमल्शन के बारे में और पढ़ेंगे यानी कि इमल्सिफाई एजेंट कौन कौन से ऐड करते हैं, अदर एजेंट या अदर इंग्रेडिएंट्स हम कौन कौन से ऐड करते हैं, कौन कौन सी प्रिपरेशन है जो कि इमल्शन कैटेगरी के अंदर आती हैं, उन सब के बारे में हम इससे नेक्स्ट वीडियोज में बात करेंगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड थैंक यू फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच।